ये कुछ बनने के बाद आपको M3 कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो दोस्तों स्कोप लगने पे कुछ आपको M3 इस तरीके से दिखता है, जो कि तगड़े स्कोप लगा मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है। इसके अंदर का पैटर्न इस साइड है, तो मैं इसे चाहूंगा थोड़ा सा राइट घूमा ना उस तरीके से। बाकी मैंने बोल्ट को, हमारे पास इन सभी गन्स को बेचने के लिए लाइसेंस है, कोई भी भाई ऐसी वीडियो घर पे ना बनाए। तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब भाई अच्छे हैं। स्वागत है आपके दोस्त के LB सेरगन हाउस में, जो कि LB सेरगन हाउस स्पेशल आज आपको दूरबीन लगाना सिखाएगा। एफएक्स इंपैक्ट M3 पे दूरबीन कैसे लगाते हैं, उसका सेटअप कैसे बनाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर की रेल होती है वो अलग, और तुम्हारे दोस्त के पास एफएक्स का स्टॉक आ चुका है। जिस भाई को परचेज करना है तो परचेज कर सकता है। हमारे दो नंबर जो कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहे हैं 7465069988, दूसरा है 7833006998, और ये दो नंबर जैसे आप कॉल करोगे तो शुरू में हमारी टीम से बात होगी। अगर आप बोलोगे कि एफएक्स के बारे में जानकारी या बात करनी है अजिस्टर से, तो कॉल से हमसे या फिर डायरेक्ट बात होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा सबसे तगड़ा मेरे पास स्कोप है, ये राइफल स्कोप है HD 4 24 50, ऐसा आपकी FX Impact M3। ये रहा भूम सकल, ये FX Impact M3 है, और ये कुछ आपको इस तरीके से दिखता है, और इसमें इसका पूरा मैनुअल बुक भी है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पूरा राइफल ओपन करने से पहले या रिलीज करने से पहले आप इसका पूरा मैनुअल बुक पढ़ेगा, कैसे इसका वॉर्टेक्स खींचता है, पावर कितनी होनी चाहिए, कितना क्या, तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हैं। इसका पूरा मैनुअल आपको देख लेना चाहिए, इसका पूरा किट आपको मिल जाएगा, ये चीजें मेरे साथ में, इसकी मैगजीन मिल जाएगी, वन पीस आता है अलग से, जो चीज एडजस्ट कराते हैं दो अलग से, इसका सरफेस का खुदरा होता है, और ये रही आपकी FX Impact M3 जो कि धूम मचा देती है। उससे ऊपर भाई कुछ नहीं होता, इसे आप किसी भी फील्ड में उतारो, हर किसी काम से पीछे नहीं उठती, कुछ चीजें ऐसी होती है इशारों में समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो उसके सप्रेसर को हम यहाँ पे लगा देते हैं, जैसे थोड़ी सी ना बड़ी बैरल फील होती है, और ये 700 है जो कि सुपीरियर हैवी, इसमें सेलेक्ट और पैलेट दोनों फायर होगा, वरना कुछ FX Impact के जो प्राइजिंग में इंक्रीज होता है कम डाउन होता है, वो ये चीज देखने को मिलता है। ये सुपीरियर हैवी है जिसमें सेलेक्ट और पैलेट दोनों फायर होगा, ये कुछ बन के इस तरीके से दिखता है, और इसको हम कर देते हैं इस तरीके से, और लगाएंगे हम स्कोप 3940। इसके माउंट आपको कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं, कुछ माउंट अलग ही पैटर्न के साथ होते हैं, और इसके क्लैंप वगैरह जो अलग से आते हैं ना, इसकी बात कर रहा हूँ, दिख रहे होंगे उम्मीद करता हूँ, ये आपको अलग से भी मिल जाते हैं, मतलब इसी के साथ पूरा सेट बन जाता है। इसको मद्देनजर रखते हुए अब इसको लगाते हैं कुछ अलग, और इस पर जो 20 mm से ऊपर का रेल होता है, इस पर ये होता है, कुछ दोस्त इसे उतारने के चक्कर में लगता है, ऐसा गलती से मत करो, ये वाले माउंट ही इसके साथ पूरे सेटअप होंगे। अब बात करेंगे इसके जो राइट वाले जो बड़े क्लिप के बोल्ट के साइड है, इसे हम सबसे पीछे ले लेंगे, इतना भी पीछे नहीं, सिर्फ जो पीछे के स्क्रू होते हैं वो आपको देख लीजिए, और इसको कर देंगे टाइट। हमें इसकी की जरूरत पड़ेगी जो कि एलन की होता है, और उसकी सहायता से हम इसको ओपन करेंगे, क्योंकि इसका बेस ट्यूब काफी तगड़ा है, इस पर आप 20 mm तक का स्कोप वगैरह सब लगा सकते हैं, जिसका बेस ट्यूब छोटा रहता है वो भी लग जाएगा। अभी हम इसकी जरूरत नहीं है, पर आपकी हम पूरा सेटअप करेंगे, ये खुल जाएगा, इसको रख लो साइड में, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है, हमारा जो स्कोप का बेस ट्यूब है थोड़ा सा हैवी है। स्कोप लगाने का सही तरीका मैं आपको थोड़ा सा आज बता देता हूँ, जो स्कोप है कोई सी भी गन हो चाहे रियल, जिस पे स्कोप लगे ही लगेगा, उसका थोड़ा सेटअप ना अलग अलग होता है, उसमें देखने को आपको कुछ ऐसा प्रोवाइड होता है, जो अंदर का पैटर्न होता है, जो रेटिकल होता है, वो बिल्कुल सेंटर में होना ही चाहिए। ये रहा आपका डिस्कवरी HS, और इसके हम ओपन करते हैं, ये स्कोप आपको कुछ देखने में इस तरीके से फील होता है, और ये सबसे तगड़ा, सबसे वेट में भी थोड़ा हैवी होता है भाई, इतनी बड़ी राइफल है तो दूर का निशाना टारगेट को हिट करती है, तो उसके लिए तो स्कोप स्पेशल एलिमेंट की टक्कर जैसा ही चाहिए, तो डिस्कवर भी है, इसको कम मत मानो, ये धूम मचा देगा। ये
या जिसका सनग्लास जो आगे धूप की किरणें को रोकता है थोड़ा मिल जाता है, जिस भाई को ऐसा लगता है कि यहाँ लगना चाहिए तो लगा सकता है। और ये बिल्कुल बराबर फिटिंग के साथ इस तरीके से होता है। आपको एक चीज और बताऊंगा, आप अभी क्या करोगे, जैसे आपके हाथ में होगा ये वाले क्लिप को पूरा सेट करके इसे पूरा टाइट मत करें, इसका जो अंदर का प्लस होता है वो पूरा सेंटर में जरूर करना चाहिए। अभी जैसे मैंने स्कोप लगाया मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है इसके अंदर का पैटर्न इस साइड है, तो मैं इसे चाहूंगा थोड़ा सा राइट घूमा ना इस तरीके से, बाकी मैंने बोल्ट को बिल्कुल एक सेंटर में लेना है उसके आपका ये वाला। बिल्कुल पैटर्न सही सेंटर पे आ गया। तो दोस्तों स्कोप लगने पे कुछ आपको M3 इस तरीके से दिखता है जो कि तगड़े स्कोप होते हैं, और कुछ भाई कहते हैं कि जो सर इसमें थोड़ा सा आगे जो सनग्लास लग के थोड़ा सा ये अलग ही रूप दे देता है, तो इसको भी इसकी भी वॉइस प्रोड्यूस हो जाती है, कैसी कोई बात नहीं इसको भी लगा देते हैं। ये थोड़ा सा लुक देता है जो आगे सूरज की किरणों को रोक देता है, इसको यहाँ पे सेट करके इस तरीके से मूव होता है। ये कुछ बनने के बाद आपको M3 कुछ इस तरीके से दिख रहा है। Apex Impact M3 का जो स्पेशल रिजल्ट जाता है वो स्कोप लगाने के बाद जी वाला लुक दे देती है। बाकी स्कोप लगाने का जो तरीका मैंने आपको बताया, अंदर का पैटर्न बिल्कुल स्ट्रेट बल रहना चाहिए, जब शुरू में स्कोप लगाओगे थोड़ा फिर से मिर्चा आएगा तो दोनों बोल्ट हल्के हल्के ज्यादा कसमत न करना और इसे हल्का पूरा इस तरीके से मूव होता है। तो आज के कुछ मिनटों ब्लॉग में इतने दोस्तों, बाकी इसके सामने जब रिव्यू पेश करेंगे आपको अपडेट रहेगा। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। ओके।